आप देख रहे हैं आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, इन दिनों आचार संहिता उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं और ताजा मामला केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ है और केंद्रीय मंत्री का नाम है अश्विनी चौबे, जिन्होंने एसडीएम से बदसलूकी की। देर रात काफिला रोके जाने पर मंत्री जी भड़क गए और वहीं बीजेपी के दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि पैसे मांगने पर उन्होंने पैसे दिए। देखा आपने, अधिकारियों पर रौब झाड़ते ये हैं केंद्रीय मंत्री और एनडीए के उम्मीदवार अश्विनी चौबे। आचार संहिता लागू होने के बावजूद ये 30 से 40 गाड़ियों के काफिले के साथ बक्सर जा रहे थे। संकल्प सभा स्थल से मंत्री जी गुजर रहे थे। मौके पर खुद एसडीएम के उपाध्याय और डीएसपी सतीश कुमार मौजूद थे। उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अश्विनी चौबे का गुस्सा देखिए, अधिकारियों पर ही भड़क उठे। अपने समर्थकों के हुजूम के साथ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मंत्री अश्विनी चौबे वहां से निकल गए और अधिकारी सिर्फ उन्हें देखते रह गए। अब वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। गाड़ियों को लाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन ये पता चला है कि शायद गाड़ियाँ जो यहाँ खड़ी थी खिला मैदान में काफिले की गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं हमारे पास वीडियोग्राफी हुई है और सभी गाड़ियों पर प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की। सर ने क्या शब्द का प्रयोग किया वो उनका कंसर्न है, हम लोग अपना काम करें। सिर्फ एनडीए ही नहीं बल्कि भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह का भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कुछ लोगों को पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह भोपाल से करीब 35 किलोमीटर दूर सीहोर के प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। यहाँ से बाहर निकलते वक्त वो कुछ लोगों को पैसे देते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर बीजेपी ने चुनाव में उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस शिकायत को किस तरह लेता है। वैसे एक दिन पहले ही रेलवे में मैं भी चौकीदार लिखे चाय के कप को लेकर रेलवे मंत्रालय को नोटिस भेजा गया था, जबकि चुनाव आयोग ने बोर्डिंग पास पर मोदी की तस्वीर को लेकर उड्डयन मंत्रालय को नोटिस भेजा था। चुनावी मौसम में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों पर लगाम लगाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।